व्रत में खाए जाने वाले बहुत ही मज़ेदार आलू आज हम बनाएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और घी जब गर्म हो जाएगा हम उसमें डालेंगे जीरा, हरी मिर्च और उसी के साथ कड़ी पत्ता। मैंने कड़ी पत्ते को आधा आधा काट लिया है। तो अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दें, और मैं सजेस्ट करूंगी आप ये आलू घी में बनाएं, उससे जो स्वाद है इसका बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक की पेस्ट। आप चाहें तो अदरक को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। एक मिनट हम इसे भुनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड और कटे हुए आलू। ये मैंने आलूओं को बॉइल करके उनको छील के उनको मैंने काट लिया है। तो आप इन सबको अब अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से उसमें मिल जाएं, मतलब जो घी, कड़ी पत्ता और जीरा है। और अब हम इसमें डालेंगे व्रत वाला नमक। उसी के साथ मैं डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप रेगुलर बनाएं तो आप और मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। तो इन सबको आप अच्छे से मिलाएं और ढक के हम इसे पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद अब आप देखें तो ये जो हमारे आलू हैं उनमें एक अच्छा हल्का कलर आ गया है। मैंने इसको मीडियम से लिटिल हाई हीट में पकाया है क्योंकि मैं चाहती थी उसमें एक अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर आए। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई मूंगफली। ये मैंने मूंगफली को रोस्ट करके मिक्सर में उसको रफली ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस देगी टेस्ट ये जो मूंगफली है आपके इस व्रत वाले आलूओं में। तो इनको अब आप अच्छे से मिलाएं। मूंगफली डालने के बाद भी हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि मूंगफली अच्छे से कुक हो जाए। आप देखें 3 से 4 मिनट बाद ये अब बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलिशियस आलू बनते हैं। इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया और नींबू का रस। ये डालने के बाद आप सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इसको ऐसे अगर सूखा भी खाएं या दही के साथ भी खाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैंने और भी बहुत सारी व्रत के लिए रेसिपीज़ शेयर की हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार मूंगफली वाले आलू बनके तैयार हैं आपके उपवास और व्रत के लिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं मैं और भी रेसिपीज़ ऐसी आपके लिए लेके आऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलिशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।